नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं और ट्रेंडिंग स्टार बैक टू बैक फिल्में दबा के करे जा रहे हैं और एक लुक इस समय ना सोशल मीडिया पर ना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। हर कोई कह रहा है कि आखिरकार खेसारी जी का ये लुक क्या है, क्या है वो फिल्म, जानते हैं उन्हीं की जुबानी यानी कि ट्रेंडिंग स्टार की जुबानी। लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं, स्वागत है भैया। थैंक यू सो मच। इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं भोजपुरी गॉसिप को आप सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। भैया सबसे पहले तो लुक आपका एकदम ऐसा लग रहा है कि पागल वाला लुक दिख रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सैड वैड क्या क्या मतलब इमोशनल लुक है, क्या है ये लुक जरा बताइए। इसमें मैं एक्टिंग नहीं है, करेक्टर कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि देखिए, आप एक नॉर्मल इंसान होते हैं और आप नॉर्मल से एक अलग दुनिया में जाकर एक्टिंग करना थोड़ा सा टॉप जॉब होता है। और हमारी भोजपुरी में जो मैं एक सिनेमा बनती है कि मास्टर का बेटा है, चोर है, ये है वो है, मैंने एक बस हीरो नालायक ही रहता है और उसके बाद में जाके सुधर जाता है जी। तो हमारी कहानी वहीं तक सीमित हो जाती है जी। लेकिन अब मैं उस सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो रहा हूँ। हमारे बिहार में या भोजपुरी में चाहे किसी भी दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं जी। हर टाइप का करेक्टर होता है जी। तो हम बाकी करेक्टरों पर काम बहुत कम किया करते थे या हमें वो कहानी नहीं मिलती थी, लेकिन अब हम लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं। तो इस कहानी को भी मैंने कोशिश की है बेहतरीन तरीके से लिखने की और अरविंद तिवारी जी ने, दोनों ने मिलकर कोशिश की है और हमारे लाल बाबू पंडित का आउटपुट और इनका एक अपना मेकिंग टेकिंग, इनके साथ मुझे लगता है छठी या सातवीं फिल्म है हमारी, तो लगातार हम इनके साथ काम भी करते रहते हैं क्योंकि हमारा डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं, और एक बड़े भाई और छोटे भाई की तरह हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पागल कि जीवन में क्या क्या होता है और एक मोहब्बत के लिए, देखिए दुनिया तो लड़की के लिए पागल होती है, गर्लफ्रेंड के लिए पागल होता है कोई जी। लेकिन इस में ऐसा नहीं है, वो पागल किसके लिए होता है ये जब सिनेमा आएगी तो लोगों को पता चलेगा। मतलब सस्पेंस है ये। हाँ, क्या इसके लिए भी दुनिया पागल हो सकती है क्या, कोई इतना प्यार करता है इस आदमी से कि इसके लिए पागल हो सकता है। तो एक अलग करेक्टर है कि एक पागल का करना टॉफ जॉफ है थोड़ा सा, बॉडी लैंग्वेज से लेकर बाल से लेकर हर चीज़ का एक अलग जेस्टर होता है उसमें। और मैंने कोशिश की है अच्छा करने की, बाकी पब्लिक जनता हमारी कितना प्यार देती है वो देखना। लॉकडाउन के बाद से जब से जो जो फिल्में आप कर रहे हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टर आ रहा है, कभी आप एक कहते हैं सिंपल कैरेक्टर, फिर अभी रॉडी का आपका टेलर आया है, रॉडी इंस्पेक्टर का, उसमें भी आप डिफरेंट कैरेक्टर दिख रहे हैं, इससे पहले जो बोल रहा था बोल कर रहे थे इसमें भी डिफरेंट कैरेक्टर, आपने स्टोरी को ही बदलने का काम कर दिया, तो फिर तो ये क्या हो जा रहा है, इंडस्ट्री को आप चेंज क्यों कर रहे हैं? लोग कई लोग कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री के पैटर्न को ही आप चेंज करते हुए चले जा रहे हैं स्टोरी को। देखिए साउथ की मूवी आज चेंज हुई तो आज दुनिया में उनको प्यार मिल रहा है ना जी, तो कब तक हम फंसे रहेंगे बाकी चीज़ों में जी। और हमारी भोजपुरी का इतना कैनवास है, इतने लोग हैं, आज 30-32 करोड़ की जनता आबादी है हमारी जी। उसके बावजूद भी हम बेहतरीन नहीं सोच पाते हैं, ठीक है कैनवास हमारा बड़ा नहीं हो सकता, बट भोजपुरी की सिनेमा का कहानी तो हम बदल के अपने जीवन को चला सकते हैं कि बहुत टाइप के करेक्टर होते हैं, हम सिर्फ एक ही करेक्टर पर हर आदमी काम करता है। और मैं अब नहीं कर सकता, मैं 2 महीने बैठ जाऊँगा घर पर चलेगा, बट मैं कोशिश करूँगा जी बेहतरीन करेक्टर के साथ काम करूँ, मैं ये नहीं कि एक एक्टर के तौर पे काम करूँ, मैं करेक्टर पे लेकर हूँ, जो मैं नहीं करता हूँ वो करना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं वो करना नहीं चाहता जी। जो मैं नहीं कर सकता उस पे फोकस है कि नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता। तो कुछ चैलेंजिंग चीज़ें अब मेरे जीवन में आ रही है तो कोशिश कर रहा हूँ उसको बेहतरीन करने की। खास करके इसमें एक बार फिर से बैक टू बैक मेघा श्री जी दिख रहे हैं, जोड़ी कह रहे हैं कि भाई कि एक बार फिर से काजल खेसारी जी ने एक नया जोड़ी सेट कर दिया फिर से इंडस्ट्री में, एक नई जोड़ी मेघा श्री को लेकर। नहीं देखिए सब लोग अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अमरपाली जी के बाद मैंने मेघा जी के साथ काम किया तो वो एक्टर बहुत अच्छी हैं, थोड़ी भाषा का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतने लोगों के साथ काम किया है वो 70 पेज के डायलॉग को वो लड़की पूरे डायलॉग याद करके रखती है, कहाँ से पूछिएगा जहाँ से चाहिएगा वहाँ से उनको पूछ सकते हैं आप। तो वो उनका काम करने का एक ऊर्जा, हमारे भाषा के ना हो के भी हमारे भाषा को इतना प्यार करती हैं वो, तो ये बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है। और हमें भी एक बेहतरीन एक्टर की ज़रूरत होती है ताकि हम अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करें, सिर्फ मेरे परफॉर्म से सिनेमा नहीं चल सकता जी। जितने भी करेक्टर हैं सबका परफॉर्म काउंट करता है और सबकी परफॉर्म दुनिया देखती है जी। मैं अगर किसी को कुछ बोलता हूँ अगर सामने से काउंटर अच्छा नहीं आएगा तो उस शब्द का भी कोई मतलब नहीं बनता जी। तो कोशिश है जी बेहतरीन एक्टरों के साथ बेहतरीन सिनेमा का हिस्सा बने आदमी और अपने जीवन को चलाए और भोजपुरी को कुछ
अच्छी चीज़ें मिल जाए। लाल बाबू पंडित के साथ आप जिला चंपारण से स्टार्ट करते हैं, पहली फिल्म और अभी की फिल्म में कितना ज़्यादा चेंजेस आपको लग रहा है कि हाँ खेसारी का स्टार्डम है अपने हिसाब से, कि उन्होंने आपको एक तरीके से और बूस्टअप दिया है, उनके डायरेक्शन को आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, डायरेक्शन डे बाई डे हर आदमी सीखता ही है जी।